नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति लीज कॉलेज। आज पुनः आपको गणित शिक्षण के अंतर्गत गणित एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे, जो आपके जूनियर परीक्षाओं में, सीटेट की परीक्षाओं में, टीटी और सुपर टेट की परीक्षाओं में, के साथ साथ अन्य जितनी सारी अध्यापक संबंधी परीक्षाएं होती है, जहाँ बाल विकास से संबंधित, रीजनिंग संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये सारे के सारे प्रश्न आएंगे। तो आप इनको ध्यान से सुनिए और अपने घर बैठे तैयारी जारी रखिए। तो यहाँ पर आज आपको हम जो है देखिए पाठ्यक्रम संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया है, तो आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है, किस लिए आवश्यकता होती है? पहला है विकल्प, छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, और चौथा विकल्प है छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। यहाँ पर कौन सा विकल्प सबसे सटीक होगा, आप उत्तर भेजिए जल्दी से। मासिक परीक्षाएं का आयोजन का क्या उद्देश्य होता है? तो यहाँ पर आपने उत्तर भेजा होगा। यहाँ पर आप तीसरे विकल्प पर विशेष ध्यान दीजिए। तीसरा विकल्प है छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाने के लिए यहाँ पर मासिक परीक्षाएं कराई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृत उत्पन्न करने के लिए कौशल का विकास करता है। ये कथन किसने कहा था? प्लूटो ने, रिस्क ने, स्किनर ने, हर्बर्ट ने। आप लोगों को हो सकता है कि इसका ना उत्तर आता हो, इसलिए हम इसको बता देते हैं, आता है तो भेज देना, और इसका उत्तर आपको बताते हैं। इसका पहला उत्तर है प्लेटो ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? पहला, नवीन विचारों की जानकारी देना है, अभ्यास है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के पूर्ति, ये भी है शिक्षण सामग्री के रूप में, ये भी है। तो अब आप इसमें कौन सा ज्यादा जो है सटीक होगा कि यहाँ पर जो एक विकल्प गलत होगा, जल्दी से आप बताइए, यहाँ पर उत्तर भेजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका उत्तर मिल चुका है। आपका यहाँ पर देखिए तो तीसरे विकल्प पर विशेष ध्यान दीजिए, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो गणित में कोई मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, वो तो बाल विकास के लिए होता है ना। तो यहाँ पर ये तीसरा विकल्प गलत है, बाकी 4, 1, 3, 2, 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान देना है आपको, निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास के हेतु, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर कौन सा ऐसा जो है अभ्यास कार्य करवाया जाता है कि नहीं है, जो है पर जल्दी से आप उत्तर भेज दीजिए। आप लोगों का 5 सेकंड का समय रहता है और बस 2 ही 3 4 लोग यहाँ पर एक्टिव हैं और वही 4 5 लोग भेजते रहते हैं, बाकी सब सुषुप्ता अवस्था में हैं। आप लोग बात कड़वी है, लेकिन जो पढ़ेंगे वही को नौकरी मिलेगी, बाकी सब बढ़िया आराम से बैठ कर घर में जिस प्रकार अभी भी सो रहे हैं वो सोते ही रहेंगे, बाद में दूसरे कार्य करेंगे। सबकी भर्ती में नौकरी नहीं लगती है, जो पढ़ेगा वही जीतेगा, चाहे हम हो चाहे आप। तो यहाँ पर आप चौथा विकल्प देखिए, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए गणित में अभ्यास कार्य की कोई आवश्यकता नहीं, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। ये क्वेश्चन आपको हम एक बार पहले कभी पूछ चुके हैं, तो आप इसका उत्तर जानते होंगे, जल्दी से इसका उत्तर भेजिए। और जब तक उत्तर भेजते हैं आप तो बताते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करवाएं और अन्य लोगों को भी शेयर किया करें और लाइक भी किया करें। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं तो हमें अच्छा कम लगता है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करें। अगला, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, व्यवहारिक रूप से सर्वाधिक महत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय, व्यवहारिक उपयोग है या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा सही होगा बताइए। तो यहाँ पर आप उत्तर भेजें जल्दी से।
अंकगणित का शिक्षण का महत्व क्यों है? तो आप जानते हैं अंकगणित में गणना करना होता है, तो यहाँ पर आप देखें तो चौथा विकल्प सबसे सटीक होगा, उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोगी संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वो है। गणित की परिभाषाओं का प्रत्यक्षण करने के लिए, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना और सोचने समझने के बाद निर्णय देना। तो यहाँ पर कौन सा सटीक आंसर होगा, जल्दी से बताइए। क्या सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञानोपयोगी? तो यहाँ पर आपने उत्तर भेज दिया है, तो यहाँ पर आप देखें तीसरा विकल्प सही है, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना ये मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका, आप भेजिए कमेंट्स में जल्दी से। तो जो पाठ्यक्रम निर्माण बनाया जाता है सभी का ध्यान रखा जाता है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही हो रहा है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति का, आत्मविश्वास का, विचार शक्ति का या सभी का? जल्दी से भेजिए कमेंट्स बॉक्स में उत्तर। तो आप जान इसका उत्तर सबको आता होगा, सभी लोग कमेंट दिया करें। तो इसका चौथा विकल्प सही है, तर्क शक्ति भी है, आत्मविश्वास भी है, विचार शक्ति भी है, चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन। तो यहाँ पर कौन सा जो है आधार विषय माना जाता है, जल्दी से बताइए। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर गणित ही है जो सब विषयों का आधार विषय है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? जिसको आपने देखा ना हो और संगत संरचनाएं हो, तो वहां पर कौन सा होगा, हिंदी होगा, सामाजिक ज्ञान होगा, कला होगा, गणित होगा, कौन सा विकल्प होगा, जल्दी से भेजिए आप लोग। तो यहाँ पर आपको बहुत सरल आंसर है, गणित ही है, ऐसा विषय है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सहायक है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में या सभी के अध्ययन में? कौन सा विकल्प होगा, इसका भी आप लोगों को आता होगा, जल्दी से भेजिए कमेंट्स बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग भेजते हैं। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने भेजा, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही, सभी में गणित का स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास के रूप में, तर्कसंगत के रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में? तो कौन सा इसमें विकल्प होगा, बताइए, बिल्कुल सही बताना। भेजिए, बहुत सारे स्टूडेंट भेजते हैं, जल्दी से भेजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर आपने जो उत्तर भेजा बहुत सही है, तो यहाँ पर गणित जो है दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है, तर्क संगत के रूप में। आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, यहाँ पर तर्क संगत के रूप में इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, ज्यामित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन, बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। यहाँ पर कौन सा सटीक आंसर, सभी होते हैं लेकिन आपको सही उत्तर बताना है। तो आप पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ते हैं, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला ही विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में या उपरोक्त सभी? तो क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए, आप सबको आता होगा, भेज रही है जल्दी से उत्तर, भेजिया करिए, 5 सेकंड के समय के अंदर भेज दिया करिए चटाक से, और विकल्प विशेष ध्यान पर ध्यान से पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित विषय में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके, व्यवस्था करके और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, जल्दी से भेजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरा विकल्प सही हो रहा है, संगठित करके। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम या उपरोक्त सभी? यहाँ कौन सा विकल्प होगा? आपका क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में यदि उत्तर आ जाता है तो मान लीजिए आपका बिल्कुल चयन पक्का है, आपका चयन होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता आपको चयन रोकने देने से। यहाँ पर आप जान गए होंगे तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बिल्कुल सही। बच्चों में समाजीकरण करना, बच्चों के चरित्र का विकास करना या उपरोक्त सभी? तो क्या इसमें सबसे बेस्ट आंसर है आप लोग बताएं? चरित्र विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सब कुछ होता है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, क्या दोष है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल देता है, बिल्कुल सही है। विषयों से संबंध का अभाव है, बिल्कुल सही है। लचीलेपन का भी अभाव है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प उपरोक्त सभी। कौन से सही होंगे जल्दी से आप बताइए? तो आप सभी ने इसको उत्तर आता है, आप सबको सभी का उत्तर आपका बहुत सही भेजा है, यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, उपरोक्त सभी। अब ये कुछ प्रश्न है जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सीटेट में और अन्य जहाँ जहाँ पर केंद्रीय राज्य परीक्षाएं होती है वहाँ पर भी पूछे गए, तो यहाँ पर पढ़िए। सीटेट में आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है और बहुत ही आराम से पढ़ने की क्वेश्चन जरूरत। जैसे पढ़िए, देखें, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तु में लुप्ति या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चे को उनके आकार देखने में और समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? तो गणित के जादू सेकंड एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ पुस्तक में इस तरह के सुझाव ये समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। क्या सहायता करते हैं आप लोग देखिए। निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। और चौथा विकल्प है, आस पास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। कौन सा विकल्प सही होगा इसमें भेजिए जल्दी से। सीटेट में एक खासियत है कि आपके चारों के चारों विकल्प आपको सही लगेंगे और उसमें आपको सटीक उत्तर देना है। तो यहाँ पे उत्तर भेज चुके हैं, उत्तर यहाँ पर पहला सही है, निर्देशन से संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी की कक्षा चार की गणित की पाठ पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है, आपको बताना है किस लिए? दैनिक जीवन से जोड़ते हुए रोचक बनाने के लिए, कबाड़ से बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में घटती विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु, विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए और उन्हें अलग सा समझाने के लिए। तो कौन सा विकल्प सही होगा भेजें आप लोग। बिल्कुल आपको सही उत्तर भेजना है, यहाँ पर बड़ा मत देखना कि बड़ा दो है वही होगा, आपको पढ़ना है और सही उत्तर भेजना है। तो यहाँ पर आपने उत्तर भेज दिया है, पहला विकल्प सही है, दैनिक जीवन से जोड़ते उन्हें रोचक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 का मानना है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, तो नीचे दिए गए कथनों में से वो कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। नहीं पर ध्यान देना, उसे पढ़ाने के विधि, आंशिक अंकित प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ पुस्तक में प्रयुक्त सामग्री के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए पाठ्यक्रम का अभ्यास। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सबसे सही होगा? देखिए आप देख रहे हैं कि सारे के सारे सीटेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे जो अच्छा विकल्प है यहाँ पर दूसरा विकल्प है, आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित की पाठ पुस्तक का आवश्यक अंग है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की समृद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, उपरोक्त सभी। यहाँ पर कौन सा सही होगा आप लोग भेजिए उत्तर। ज्यादातर आपको उत्तर बड़े ध्यान से पढ़ना है, ये बीटी टीम पूछा गया है, तो आप यहाँ पर चौथा विकल्प देखिए, आपका उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
एनसीएफ भी आप लोग पढ़ लेना, एनसीएफ 2005 और नई शिक्षा नीति भी आप लोग पढ़ लें। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बालक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ पुस्तक आधारित या सभी, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा जल्दी से बताएं। उत्तर समझिए, प्रश्न समझिए और जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिए, चाहे जो कुछ हो सब कुछ चाइल्ड सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो यहाँ पर बालक केंद्रित पहला विकल्प ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि पहला विकल्प देखिए, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं कलात्मक गुणों का विकास होता है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, सुडोको पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता मिलती है और विद्यार्थियों में सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संख्याओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सबसे सटीक होगा, बिल्कुल आपको सोचना है और उत्तर देना है। क्या करता है जल्दी से उत्तर भेजिए, बहुत लोगों ने भेज दिया, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको चौथा विकल्प सही है, ये विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संख्याओं की विशेषताओं को समझने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और करुणा का एक तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, तीसरा विकल्प है गणित की सभी पाठ पुस्तकों का पुनर्लेखन करना और विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल उत्तर पत्रक देना। तो कौन सा सटीक आंसर होगा आप लोग बताएं, 5 सेकंड का सेकंड, और बहुत ध्यान से आपको प्रश्न का पढ़ना है और ध्यान से उत्तर देना है। जो लोग मान लो जल्दी लगता हो उन्हें, तो इसको दोबारा वीडियो को देखकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरा विकल्प सबसे सटीक है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3rd की विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है, संख्याओं का सैकड़ा, इकाई और दहाई के समूह के रूप में देखना, स्थानीय मानों को सार्थकता समझना, 4 अंकों वाली संख्या के योग एवं व्याकलन के कौशल में पूर्णता प्राप्त करना, बड़ी संख्या को पढ़ने में कौशल का पूर्णता प्राप्त करना, 6 अंकों तक गणना करना। तो यहाँ पर कौन सा सटीक उत्तर होगा, बहुत अच्छे प्रश्न है, आप लोग देखते जाए कितने अच्छे प्रश्न है और सारे के सारे आपके परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपने उत्तर भेज दिया होगा, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है, स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है, लाभप्रद क्षमताओं का विकास। अब यहाँ गणितीकरण बच्चे की किस प्रकार के क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है, कौन सा विकल्प सही होगा, ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे को संसाधन का विकास करने, दूसरा वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या और संक्रियाओं का प्रभावी निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, सभी समस्याओं को रेखीय समीकरण अनुमोदन। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सबसे सटीक होगा आप जल्दी से उत्तर भेजिए। तो यहाँ पर आप जैसे प्रश्न देख रहे हैं तो इसका पहला ही विकल्प सही होगा, पूर्ण धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन की प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे को संसाधनों को विकास करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर बल देती है जो एनसीएफ है, किस पर बल देती है, गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, निम्न उपलब्धकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी, कौन सा यहाँ विकल्प सबसे सटीक होगा, यहाँ पर देखिए, ये सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है, आपने उत्तर भेज दिया होगा, उत्तर भेज दीजिए, जल्दी भेज दिया करिए। तो यहाँ पर आप दूसरा विकल्प पर ध्यान दीजिए कि गणित की सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है,
अगला फिर आया है एनसीएफ से, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आपको हमने ये हमारे यूट्यूब में बना हुआ है एनसीएफ 2005, इसको आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिए। रचनावादी उपागम पर बल देता है क्योंकि ये किस पर आधारित है? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान एवं निर्देशन, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, नियमित जयकार जमा कराने, गतिविधियों को शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता, यहाँ पर कौन सा सबसे सटीक विकल्प होगा? आप लोगों को प्रश्न के विकल्प पढ़ते ही उत्तर आ जाना चाहिए, तो भेज दिया होगा उत्तर आपने बहुत लोगों ने। तो यहाँ पर आप देखिए चौथा विकल्प सही हो रहा है, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 में ये उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित किस उपलब्धि से है? गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, गणित के उच्च उद्देश्यों की, लक्ष्यों की। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सबसे सटीक होगा आप लोग देखिए और जल्दी से भेजिए। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सबसे सही है, गणित के उच्च उद्देश्यों की। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा थर्ड में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना कौन सी है? दो अंकों की संख्याओं को दो अंक की संख्या से गुणा करना, गुणन के गुण, धर्म, क्रय, गुण एवं समूह गुण, गुणन पर आधारित शब्द समस्या, तीन अंक की संख्याओं का दर से गुणन करना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा तो आप लोग जो है जल्दी से भेज दिया करें उत्तर। तो यहाँ पर सबसे जो सटीक उत्तर है दूसरा उत्तर है, गुणन के गुण, धन, क्रय, गुण एवं समूह गुण। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृत संकेत करती है। चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करना, गणित के खेलों में सृजन, हस्तलिखित अनुभव पर अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, कौन सा सटीक उत्तर होगा भेजे आप लोग। तो यहाँ पर आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, सीटेट में क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपने उत्तर भेजा होगा। तो यहाँ चौथा विकल्प सही होगा, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गतिकरण के उद्देश्यों को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है, कौन सा सटीक उत्तर होगा भेजें जल्दी से। आपको देखिए सारे के सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं और इन पर विशेष ध्यान दे रहा है, तो यहाँ पर आपने उत्तर भेजा और यहाँ पर उत्तर पहला बिल्कुल सही है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूर्ण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा मानसिक रूप से 27+38 को 65 के रूप में परिकलन करता है। जब उसे योग करने के लिए अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38-40 के नजदीक है, इसलिए 27+40 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए वो घटा दिए। योग करने की युक्त क्या है? प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, पुनर्समूहीकरण, प्रतिकारी, समृद्धि कारक, कौन सा यहाँ पर सटीक उत्तर होगा जल्दी से आप बताएं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, प्रतिकारी के रूप में उसने सही किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी समस्याओं, संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सबसे सटीक होगा? तो यहाँ पर आप देखें विकल्प दो, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है?
सीटेट में भी पूछा गया क्वेश्चन। पहला विकल्प है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन एवं मापन। कौन सा यहाँ पर सटीक उत्तर होगा, आप लोग जल्दी से भेजें। तो आपने उत्तर भेजा होगा यहाँ पर दूसरा विकल्प है संख्यात्मक कौशल का विकास। बहुत बढ़िया आप लोग हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कहाँ पर गणित का शिक्षा केंद्र होना चाहिए, उच्चतर गणित के लिए तैयारी, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा कक्षे में गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने की सहायता करना। ये भी आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ पर तीसरा विकल्प सबसे सटीक है, कक्षा कक्षे में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर विकल्प देखिए अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, आकलन, प्रेक्षण, अध्यारोपण। इस टाइप से आपको हमने एक क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा प्रेक्षण। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित करने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन होगा, ये सब सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं सीटेट में आए हुए। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही हो रहा है, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित करने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने आज 40 क्वेश्चनों का रिवीजन किया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नेक्स्ट डे इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।